ये बहुत ही अच्छे गॉगल्स जो कि एक वेल नोन ब्रांड से थे, और मेरा फोन दोनों उस रिवर में। चुटकी में वो ले गया एकदम से, ऐसे ही माय फोन वाज स्विच ऑफ। आई वाज लाइक मैं जंप मार दूंगी रिवर में। और मुझे मेरा गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज है day 5 इन लद्दाख एंड मैं नहा चुकी हूँ और मैंने सर भी धोया आज, क्योंकि कल जो मैंने रिवर राफ्टिंग की थी ना उससे मेरे बालों की हालत सॉरी जो कल जो मैंने रिवर राफ्टिंग की थी उसमें मेरे बालों की हालत बहुत बुरी कर दी थी, तो मुझे हेयर वॉश करना पड़ा। वैसे मेरे बालों में केराटिन और रखी थी, पर कुछ और ऑप्शन नहीं था। फिर जो मुझे लोकली मिला मैंने उससे हेयर वॉश किया एंड अब हम हो रहे हैं रेडी एंड निकलेंगे अब हम लद्दाख के लिए। एंड मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। सो आई एग्री कि ये ट्रिप बहुत ही अमेजिंग थी, बट इसने मेरी स्किन की बैंड बजा दी है। लुक एट द पैचेस एंड मेरी स्किन एकदम फ्लॉलेस थी, पर हालत बुरी हो चुकी है। हाथ भी पूरे काले हो चुके हैं, बर्न हो चुके हैं मेरे हाथ भी, और मुझे एलर्जी हो गई है। एंड लुक एट माई स्किन। तो आप स्किन केयर ज़रूर करें जब भी आप कोई भी ट्रिप पे जा रहे हैं, जहाँ पे बर्फ़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आप स्किन केयर ज़रूर करें, उसके बिना बाहर निकले ही ना। सो आई एम रेडी एंड मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि हमें ट्रैवल करना है, और हालत ऐसी हो जाती है ना ये पूछ मत, इतनी डस्ट होती है ना फेस पे, हालत ख़राब हो जाती है। तो हम निकल रहे हैं अब यहाँ से एंड जा रहे हैं लेह लद्दाख। बीच में जो भी हम एडवेंचर्स करेंगे वापस ज़रूर दिखाएंगे। रेडी, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड डाल रहा है एंड वी आर रेडी टू गो। खाने और हमें मिला एक छोटा सा क्यूटी सा दोस्त। हाय छोना, छोड़ियो। हाय छोना, हाय छोना, हाय छोना, हाय छोना, कावा निन्नी आई पावा। हाँ, आपको भी पाई चाहिए, आपको भी पाई चाहिए, आपको भी पाई चाहिए, आपको भी चाहिए। ओए 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 ओए, अरे 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 अरे, इसको पाई चाहिए, इसको पाई चाहिए। तो हम रुके थे इस रिवर के पास, जो कि बहुत गलत डिसीजन था हमारा। तो मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा मेरे साथ, जो कि मेरे इस ट्रिप को ख़राब कर सकता है। वर्स्ट डे बना दिया इसने मेरे ट्रिप का। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लद्दाख। तो फाइनली वी आर इन लद्दाख एंड आज का दिन इतना घटिया दिन था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने सारे इंसिडेंट हुए ना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी रूम से पोस्ट, मैं ज़रूर शेयर करूँगी रूम पहुँचने पे। सो मैं इतना रो चुकी थी, मेरी हालत ख़राब थी, मेरा गला वैसे ही ख़राब था, तो मैंने वो इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं किया रूम पे जाके, मैंने घर आके रिकॉर्ड किया, और वो आपको एंड में मिलेगा कि हुआ क्या था। सो
हम निकल चुके हैं अपनी फ्लाइट के लिए एंड 12 के बज रहे हैं 4 और हम निकल चुके हैं फ्लाइट के लिए क्योंकि हमारी 6 बजे फ्लाइट है। तो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। यहाँ हमारा चलान कटा था इसी रोड चलान कटते कटते बचा था रॉन्ग साइड का, ये देखो बैनर लगे हुए हैं। तो उन्होंने मेंशन तो नहीं किया था, गूगल मैप की गलती थी, हमारी गलती नहीं थी। पहुंच गए एयरपोर्ट। ये रहा हमारा सामान लगेज, ये रहा मोटू। वी आर गोइंग बैक। और पे आ गया पंगा, हमारे पास टिकट्स नहीं है क्योंकि हमें मेल नहीं आया। तो अब मुझे जाना है इंडिगो के उस पर एंड टिकट कलेक्ट करनी है। आई थिंक यहीं से जाना। सो ये रहा काउंटर और यहाँ कोई भी नहीं है। हे भगवान, थैंक गॉड ऑफिसर आ गए, उन्होंने मेरी हेल्प की टिकट्स में। सुबह लगेज हो चुका है डिपॉजिट एंड ये रहे हमारे बैग्स। अब हम जा रहे हैं एंट्री लेने के लिए और हमें वेट करना पड़ा 1.5 घंटा क्योंकि हमारी फ्लाइट डिले थी और हमारा और दिमाग ख़राब हुआ। हमें था जल्दी घर पहुँचे पर क्या कर सकते हैं। सो फाइनली हमारा लगेज मिल गया और हम जा रहे हैं। सो हम वेट कर रहे हैं मम्मी पापा के आने का और ये लगा हुआ है अपने फोन में। फाइनली हम आ चुके हैं घर एंड जो इंसिडेंट हुआ था वो मैं आप सब शेयर करती हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब हम नूबरा वैली से वापस आ रहे थे तो माय मॉम कॉल मी एंड शी सेड कि मैंने एक बुरा ड्रीम देखा है तो तुम सेफली आना। एंड वी वॉज लाइक ओके, ऐसा कुछ नहीं है, हम ठीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा फ़ोन भी नहीं मिल रहा था, मेरा फ़ोन ही सिर्फ एक्टिव था, शिव का फ़ोन एक्टिव नहीं था। तो मम्मा को थोड़ी टेंशन हो, बीच में मेरे फ़ोन के सिग्नल भी चले गए थे और उनको था कि मेरे फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, टेंशन भी हो रही है, सपना भी देखा है। तो शी वॉज़ वरीड। तो दोबारा हमारी बात हुई, जब उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में बताया तब तक सब ओके था, कुछ ऐसा हुआ नहीं था। उसके बाद हुआ वर्स्ट टाइम स्टार्ट। आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट इन माई लाइफ। एक जगह रुके जहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती, रिवर भी थी, माउंटेन्स भी थे, सब कुछ था। तो हम वहाँ रुके, तो हम रिवर के पास फ़ोटो क्लिक करा रहे थे और मुझे शिव ने बोला कि ऐसा कर तू मेरी फ़ोटो क्लिक कर। मैंने बोला ठीक है। तो उसने मैं उस टाइम ना इंस्टा की वीडियो शूट कर रही थी, मतलब इंस्टा की स्टोरी शूट कर रही थी। मैंने फ़ोन शूट करके अपनी गोद में रख लिया और सबसे बड़ी गलती मैंने वो की, इतना तेज़ बहाव था ना पानी का। तो मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूँगी, आप देखना। तो इतना तेज़ बहाव था और उसने मुझे बोला फ़ोटो क्लिक करने के लिए। मैंने अपना फ़ोन गोद में रखा, उसके फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करने लग गई। मैंने उसे वापस रिटर्न बैक किया, उसने बोला कि चल मैं तेरी क्लिक कर दूँ। मैंने बोला ओके। तो जैसे ही मैं उठी, मेरे बहुत ही अच्छे गॉगल्स जो कि एक वेल नोन ब्रांड से थे और मेरा फ़ोन, दोनों उस रिवर में। आई वॉज लाइक, मुझे हार्ट अटैक आ गया था। पहले मुझे दिखा कि मेरा स्पेक्स जा रहा है ऐसे एकदम से, चुटकी में वो ले गया एकदम से ऐसे ही। फिर मैंने ढूंढा मेरा फ़ोन कहाँ है और मेरा दिमाग ख़राब। उसके बाद जो हमने फ़ोन ढूंढना शुरू किया, हम लोग ढूंढ रहे हैं, सारे बैग चेक कर रहे हैं, जैकेट्स चेक कर रहे हैं जो हमने वेयर की हुई थी, पॉकेट चेक कर रहे हैं, कहीं नहीं है। और था वो गया रिवर में। मैं हो गई उस टाइम पागल, मैंने तब दिमाग ख़राब हुआ, मैं वहीं पे ही, मेरे तो हालत ख़राब हो गई, मैं तो रोना शुरू कर दिया, मेरा फ़ोन ये वो। तो वहाँ पे ना हमारे अलावा और भी लोग रुके थे, दो गाड़ियाँ रुकी थी। तो एक गाड़ी चली गई थी, एक गाड़ी में 3 लड़के थे।
शिव का फोन एक्टिव नहीं था क्योंकि उसका सिम पोस्टपेड नहीं है, मेरा सिम पोस्टपेड है तो मेरा ही सिम एक्टिव था। मैंने उसको बोला तो उनके पास जा उनको बोल कि प्लीज़ आप इस नंबर पर फ़ोन कर दो और देखो कि फ़ोन जा रहा नहीं जा रहा। उन्होंने फ़ोन किया और माई फ़ोन वो स्विच ऑफ। उसके बाद जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ, इतना तेज़ बहाव, इतना ठंडा पानी, फ्रीजिंग, मतलब लिटरली वो बर्फ़ से पिघल के हमारे सामने आ रहा था कि बर्फ़ से पिघल के ही पानी आ रहा है और इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर था ना, माइनस में टेम्परेचर होगा उसका। इतना दिमाग ख़राब, ढूंढा मैं फिर भी पानी में उतर गई। मैंने ढूंढा, हाथ पैर मारे और मुझे नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा, आसपास ढूंढा, स्पेक्स मुझे स्पेक्स ऐसे जाता हुआ दिखा, वो तो मैं उसकी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि वो मिलेगा भी। और रिवर का कुछ ऐसा था कि हम लोग हिल्स पे थे तो रिवर ऐसी थी और हम लोग ऊपर चले गए और रिवर नीचे चली गई और कोई मीटिंग पॉइंट था ही नहीं। आप ढूंढ ही नहीं सकते, अगर आपका कोई भी चीज़ चली गई है आप ढूंढ ही नहीं सकते। हमने बहुत ढूंढा एंड उसके बाद हम उम्मीद छोड़ चुके थे, उसे तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि अब चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, तू छोड़ दे, भूल जा, मैं तुझे नया ला दूंगा एंड ऑल। तो मैंने बोला नहीं, मुझे ढूंढना है। एक पॉइंट ऐसा है कि आई वॉज़ लाइक मैं जंप मार दूंगी रिवर में और मुझे मेरा फ़ोन चाहिए क्योंकि मेरे पास इतना सारा डाटा है, मेरे क्लाइंट्स का डाटा है, मेरे ग्रुप्स का डाटा है, मेरे ब्रांच का डाटा है, मेरे अकाउंट्स हैं, मेरे कितना सारा डाटा है मैं बता नहीं सकती। तो मेरे को था मुझे मेरा फ़ोन चाहिए किसी आदमी, मेरा इस वीडियो का व्लॉग, हर वीडियो, मतलब जितनी भी वीडियोज़ है सब कुछ डाटा मेरे फ़ोन में। तो मेरे को था मेरे को फ़ोन चाहिए किसी बहाल, मैं करूँ क्या, मतलब मेरा दिमाग घूमने लग गया। मैंने उसको बोला मुझे एक लास्ट चांस दे, मुझे एक बार रिवर में उतरना है। उसने बोला तू पागल हो गई है, नहीं उतरना रिवर में, बहुत तेज़ बहाव है, इतना ठंडा पानी है, तो बीमार हो जाएगी। मैंने बोला नहीं मुझे उतरना है। मैंने कहा तू मेरा हाथ पकड़। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने ग्रिप बनाई, मैं रिवर के मिड में गई जहाँ मुझे था कि हाँ यहाँ हो सकता है। मैंने ऐसे ऐसे ना ढूंढा, मुझे सारे स्टोन्स फील हुए, एक जगह मुझे ना स्क्रीन फील हुई, मैंने एकदम से फ़ोन निकाला और दैट वॉज माई फ़ोन। अभी मेरे मुँह पर हंसी है, उस टाइम मैं इतना चिल्लाई, इतना रोई, आई वॉज स्क्रीमिंग, आई वॉज शाउटिंग कि जब मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था और जब मेरा फ़ोन मिला तब भी मैं चिल्ला रही थी कि मेरा फ़ोन मिल गया, मेरा फ़ोन मिल गया, भगवान थैंक यू सो मच, मेरा फ़ोन मिल गया। मतलब बहुत ही, मतलब वहाँ पे जो लड़के थे ना उन्होंने भी ये बोला कि आप बहुत लकी हो तभी आपका फ़ोन मिल गया, ऐसे रिवर में, इतने प्रेशर में, इतना ठंडा पानी और आपको फ़ोन मिल गया। तो वो क्या था, इतने से स्टोन पे ना वो फ़ोन ऐसे अटका हुआ था, तो हल्का सा और प्रेशर पड़ता वो ऐसे जाके ना ऐसे ही चला जाता, वो वापस नहीं आता। मैंने लास्ट चांस ट्राई किया और वो मुझे मिल गया और थैंक गॉड एंड थैंक गॉड फ़ोन ऑन था और उस पर गाने बज रहे थे। मेरे भाई निकल के बोले इसमें तो गाने बज रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हम गाने प्ले करके ऐसे ही थोड़ा सा इन्जॉय कर रहे थे तो उसमें गाने बज रहे थे। और उसके बाद फिर उसने पूरा क्लीन किया, उसको थोड़ी देर धूप में रखा एंड अभी मैं उसी फ़ोन से शूट कर रही हूँ एंड माय फ़ोन इज़ वर्किंग वेल। थैंक यू आईफोन वालों, तुमने ये अच्छा फीचर डाला है 30 मिनट्स का, नहीं तो मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। और कम से कम बाबा जी का बहुत बड़ा थैंक यू है कि मेरा फ़ोन, लिटरली मेरा फ़ोन मुझे मिल गया। एंड उसके बाद जो इंसिडेंट होने शुरू हुए, उसके बाद हम वहाँ से निकले तो मेरे कपड़े पूरे भीग चुके थे, मतलब यहाँ यहाँ तक मेरी पूरी आर्म्स और पूरी, मतलब हाफ लेग से ज़्यादा मेरे कपड़े भीग चुके थे क्योंकि मैं बिल्कुल सेंटर में गई थी और बहाव बहुत तेज़ था। मैं गई, मेरा अमेरिकन टूरिस्टर का एक सूटकेस है रेड कलर का, मैंने उससे 5 सेकेंड पहले कपड़े निकाले हैं, चेंज करके आई हूँ, उसमें वापस डाल रही हूँ और उसका लॉक हो चुका है। मैं पासवर्ड डाल रही हूँ, खुल ही नहीं रहा है, जो पासवर्ड है उसका मैं वो ही डाल रही हूँ, वो खुल ही नहीं रहा है। दिमाग ख़राब, मतलब 5 बजे मैंने स्टार्ट किया था अनलॉक करना और 10:30 बजे जाके वो अनलॉक हुआ एंड थैंक गॉड यूट्यूब पे वीडियो है जिसने मेरी हेल्प की अनलॉक करने में, तो उन वीडियोज़ को देख के मैंने अनलॉक किया अपना बैग, फिर मेरा हेलमेट, मैं हेलमेट खो गया। और मेरा फ़ोन वाला इंसिडेंट 4-5 बार हुआ है कि मैं कहीं रख के भूल जा रही हूँ, या अभी भी फ़्लाइट में भी ये हुआ कि फ़्लाइट में मैंने पॉकेट में डाल दिया और मैं सारी जगह ढूंढ रही हूँ, देखा पॉकेट में है फ़ोन। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, किसकी नज़र लगे क्या, आई डोंट नो, पर दिमाग ख़राब हो गया। कल शाम से मेरा दिमाग ख़राब हो गया है,
तो अब फाइनली घर पहुंच के अब थोड़ी राहत मिल रही है। एंड इसको मैं शायद आराम से मतलब सजा के रख दूंगी, कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि पानी में चला गया, मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 99.9% मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अब नहीं मिलने वाला। 0.1% था कि एक बार और ट्राई करती हूँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैं ना कुछ चीज़ को ट्राई कर रही होती वो होती नहीं है, मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ एक लास्ट टाइम ट्राई करती हूँ, अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक। और वो लास्ट टाइम मेरा ना बहुत बार ऐसे मैं लकी रही हूँ कि मेरा वो लास्ट टाइम पे काम बन जाता है, तो मैंने इसलिए उसको बोला कि एक बार लास्ट टाइम और वो काम बन गया मेरा। एंड थैंक यू गॉड, आपने मेरा फ़ोन मुझे वापस दिला दिया। सो दिस वॉज माई वर्स्ट डे ऑफ ट्रिप एंड आई होप आपको मेरी लद्दाख की सीरीज़ पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, करना है कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।